Hello dear students, this is Abhishek Tiwari sir from Avi Coaching Institute. कैमरा चालू है और मैं कुछ कामों में लगा हुआ था. स्क्रिप्ट थी भाई, ऐसा करना जरूरी था. तो मैं बता दूं आप लोगों को, महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं. महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शिव जी की कृपा से कुछ अच्छी अच्छी सी मुझे खबरें प्राप्त हुई हैं मेरी कोचिंग के बारे में. मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया सी बातें मुझे पता चली हैं और वो बातें मैं आपको नहीं बताने वाला हूं. तो फिर वीडियो किस लिए है? मैं नहीं बताने वाला हूं, आपको बताने वाले हैं वो बातें अंकित तिवारी सर, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सारी चीजें हुई हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बताने वाले हैं जो बात वो बताने वाले अंकित तिवारी सर. तो चलिए शुरू करते हैं. हेलो नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, आज है महाशिवरात्रि, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं आपको बता दूं कि हमारे अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कई बच्चे पढ़ते हैं, पर आज ऐसा क्या कारण है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सबकी खुशियां जब दोगुनी होती हैं तो मेरी खुशी हो गई चार गुनी. इसके पीछे रीजन है कि हमारे कोचिंग में इंस्टीट्यूट में जो बच्चा पढ़ता है अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, दिवेश नाम का एक बहुत ही प्यारा बच्चा पढ़ता है जिसका सैनिक स्कूल का रिटन एग्जाम क्लियर हो गया है और ये काफी अच्छी खुशी की बात है. और उस बच्चे में मैंने देखा है कि काफी लगनता है, वो पढ़ाई के मामले में काफी सीरियस रहता है, पढ़ने में काफी अच्छा है. और उसने जब सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन का एग्जाम दिया था, कंपटीशन सेक्शन का जब सैनिक स्कूल का एग्जाम उसने दिया था, उसके बाद वो रुका नहीं, उसने रिजल्ट की भी वेटेस नहीं की, उसने रिजल्ट का वेट भी नहीं किया. उसके बाद वो सैनिक स्कूल का पेपर देकर आकर तुरंत उसने नवोदय स्कूल की तैयारी स्टार्ट कर दी. नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए वो बच्चा अभी भी यहाँ पर पढ़ रहा है अभी कुछ इंस्टीट्यूट पे, और सैनिक स्कूल की तैयारी भी उसने की और काफी अच्छा बच्चा है. उसने सैनिक स्कूल का जो रिटन एग्जाम है उसे क्लियर कर लिया है और नवोदय की स्कूल की भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो नवोदय स्कूल का एग्जाम भी क्लियर कर लेगा. काफी मेहनती बच्चा है, काफी अच्छे होते हैं ऐसे बच्चे जो मेहनत करते हैं, जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, जो सिलेक्शन लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कंपटीशन में उनका नाम हो और वो अपना भविष्य अपने साथ साथ अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का और सबका नाम रोशन करते हैं. ऐसे बच्चों को मैं और भी ज्यादा चाहूंगा कि ऐसे बच्चे और भी यहाँ हों. आप भी यदि अपने क्लास में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको साइंस के टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए, आपको मैथ्स बहुत अच्छे से बने, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए, तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे अभिषेक सर और अंकित सर इस बात के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपका समय भी बचे और आपको क्लास में अच्छे मार्क्स भी मिले, आपकी क्लास में बेहतर से बेहतर रैंक भी आए और आप क्लास में बहुत अच्छा इस तरीके से स्कोर गेन कर पाओ कि आपके माता पिता, आपके गुरुजनों का अब नाम ऊंचा हो, नाम रोशन हो. मैं आपको दूसरी खुशी की बात यह बताऊं कि कल क्लास 12th केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर हुआ और क्लास 12th की केमिस्ट्री के जो बच्चे अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, जिन्हें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 से 3 दिन पहले प्रिपेयर किया गया या फिर वो साल भर से उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे थे, कई बार उनने वो क्वेश्चन आंसर याद किए थे, वही क्वेश्चन आंसर कल एमपी बोर्ड क्लास 12th में पूरे के पूरे आए. और कल जो क्लास 12th का पेपर था वो पेपर काफी अच्छे से होने बना और बनना भी चाहिए था, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस हम यहां पर बहुत पहले से तैयार कर रहे थे. क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ, वो पूरा का पूरा पेपर में जो क्वेश्चन थे वो पेपर हमने 1-2 दिन पहले भी बोर्ड पर पूरे प्रिपेयर किए थे और बच्चों से काफी अच्छा पेपर बना होगा, इस बात की मुझे काफी खुशी है. और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से दिवेश ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया, उस तरीके से आपको भी बहुत अच्छी कड़ी मेहनत करनी है जिससे आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आपके गुरुजनों का नाम रोशन हो. और हाँ, यदि आपको चाहते हैं कि आपको आपकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से बने, आपको वो टॉपिक्स पढ़ने में जो चीज आपको समझने में दिक्कत होती है वो चीज आपको जल्दी समझ में आ जाए और उसमें आपको समय कम लगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट. केमिस्ट्री की फैकल्टी के लिए मैं यहां पर हूं और फिजिक्स मैथ्स की फैकल्टी के लिए अभिषेक सर आपके सामने हैं. तो कुछ थोड़ी सी बात और रह जाती है जो कि आज की खुशी को शायद और बढ़ाएंगी, वो खुशी की बातें आपको अब बताने वाले हैं अभिषेक सर. तो चलिए उनके पास चलते हैं. तो सुनिए, मैं कुछ बताना चाह रहा था आपसे ये बताना चाह रहा था कि जैसे कि आपको सर बता चुके हैं केमिस्ट्री का पेपर सजेस्टेड वाला आया था, वैसे ही गेसिंग बहुत बढ़िया थी फिजिक्स के एग्जाम की. फिजिक्स के एग्जाम जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरा स्टेटस देखा होगा फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, क्योंकि बहुत बढ़िया से प्यारे से क्वेश्चन आए थे. यदि आपका एग्जाम खराब गया है, इसका रीजन ये है कि आपने लापरवाही की, क्योंकि
हमने जिस प्रकार से गैसिंग की हुई थी उस हिसाब से हमारे जो भी स्टूडेंट हमें मिले उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने की बहुत ही ज्यादा अपेक्षा की जा रही है। आज मेरे पास एक फोन आता और हेलो मैंने कहा और मुझे पता चला कि जो देवेश नाम का हमारे पास स्टूडेंट पढ़ रहा था उसका सिलेक्शन हो चुका है सैनिक स्कूल में। बात यह है कि रिटर्न एग्जाम उसने निकाल लिया, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बाकी है और इंटरव्यू की भी मुझे लगता है वो क्लियर कर लेने वाला है। लास्ट ईयर भी एक और स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया हुआ था हमने सैनिक स्कूल में, नितेश शेडार, और उसके पहले ही नवोदय स्कूल में भी एक सिलेक्शन दे चुके हैं और खुशी दाहिया एक लड़की अभी भी नवोदय स्कूल में पढ़ रही है क्योंकि उसका सिलेक्शन बहुत पहले ही हो चुका था। शुरुआत में हमारी वो पहले स्टूडेंट रही जिसका सिलेक्शन हमने नवोदय स्कूल में दिया हुआ है, देन लास्ट ईयर हमने सैनिक स्कूल में एक सिलेक्शन दिया नितेश चडार का, और इस साल फिर से सैनिक स्कूल के लिए रिटर्न एग्जाम जो क्लियर कर लिया है वो है देवेश। इसी प्रकार से और बेहतर रिजल्ट की हम अपेक्षा करते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसे ज्वाइन करना क्योंकि यहां पर वो टीचर हैं जो आपके बेहतर रिजल्ट के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो ज्वाइन कीजिए अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट और सोचिए कि आपको नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट कितना बढ़िया बनाना है। ओके, थैंक यू।